नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी प्रजापति आज फिर आपके बीच एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि चेचक की बीमारी कैसे होती है, इसको कैसे ठीक किया जाए और इसमें क्या क्या परहेज करने होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहें, और दोस्तों जो नए व्यूवर्स हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये चेचक ऐसी एक बीमारी है जो गंदगी से होती है। यदि हम अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखेंगे अच्छे तरीके से तो चेचक हो सकती है, और यह एक ऐसी संक्रमित बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को चेचक हुआ है, उसके संपर्क में यदि हम आते हैं तो मुझको भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर किसी को हुआ है चेचक की बीमारी तो उसे दूरी बना करके रखें, और इसके इलाज यही है कि सबसे पहले नीम का तेल हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है, उसको आप ले आइए, उसको पूरी बॉडी में लगाइए, इससे भी चेचक समाप्त हो जाता है। और दोस्तों कुछ ऐसी दवाएं मैं बता रहा हूं आपको जिससे 100% गारंटी है 4 से 5 दिन में चेचक पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएगा। तो मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप जाकर के ऑक्वीर टेबलेट, ये देखिए स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, ऑक्वीर 400 mg का जो टेबलेट होता है इसको ले आए। चार दवा मैं बताऊंगा आपको, ऑक्वीर 400 mg, और ये देखिए दूसरी नंबर पे ये दवा है अलमॉक्स कैप्सूल, और ये तीसरी नंबर पे है देखिए लिवोसिट्रिजिन, और चौथे नंबर पे ये देखिए दवा है नीमोसलाइड पैरासीटामॉल। तो दोस्तों ये चार दवा यदि हम 3 टाइम किसी भी मरीज को देते हैं, चेचक के मरीज को, तो 100% गारंटी है दोस्तों उसका चेचक 4 से 5 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ परहेज भी करने होते हैं। यदि हम परहेज नहीं करेंगे, दवा केवल चलाएंगे और परहेज नहीं करेंगे, तब भी ये बीमारी ठीक नहीं होती है दोस्तों। तो दवा और परहेज दोनों सबसे ज़्यादा जरूरी, दोनों जरूरी है। तो दोस्तों इसमें परहेज यही करना होता है, मीट मांस मछली अंडा कतई नहीं खाना है, पूरी तरह से एकदम वर्जित है। और यदि हम घर में तड़का लगाते हैं, जैसे प्याज लहसुन मिर्च का जो तड़का लगाते हैं, तो कृपया इस बात पर ध्यान दें तड़का बिल्कुल भी न लगाएं। तड़का लगाने से उसका झाग लगता है तो मरीज को चेचक और तेज फैल जाती है। तो दोस्तों ये हम आपको इलाज भी बता दिए और ये क्यों होता है ये भी बता दिए, इसके परहेज भी बता दिए। दोस्तों मैं एक राज की बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो चेचक होता है इसको लोग छोटी माता बड़ी माता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये कोई माता नहीं होती है, ये एक महज एक बीमारी होती है, और बहुत लोग बोलते हैं कि जिसको चेचक निकल गया उसको दवा नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों ये एक भ्रम है लोगों का, इसमें चेचक की दवा मार्केट में उपलब्ध है, आपको चेचक की दवा जरूर चलानी चाहिए, इससे दोस्तों चेचक बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, धन्यवाद।